डिम्बो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटर। आप एक क्वाड्रिलेटर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, देखिए अभी तक हमने इसके ऊपर दो वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हमने पहले देखा था जब चारों साइड और एक डायगोनल पता है तब हम कैसे ड्रॉइंग करेंगे, और दूसरा देखा था जब तीन साइड और दो डायगोनल पता है तब हम कैसे करेंगे। आज हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। व्हेन टू एडजोइन साइड एंड थ्री एंगल अननोन, मतलब दो एडजोइन साइड और जब थ्री एंगल नोन होंगे तो हम कैसे ड्राइंग करेंगे। तो देखिए यहां पे हमने एक एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या बताया गया, यहां पे बताया गया कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटर एम आई एस टी, वायर एम आई इक्वल टू 3.5, आई एस इक्वल टू 6.5, एम इक्वल टू 75, आई इक्वल टू 105 एंड एस इक्वल टू 120, ठीक है। तो देखिए आप पहले जो काम करेंगे वो करेंगे आप एक रफ स्केच ड्राइंग करेंगे, तो आपको जो बनाने में आसानी होगा। पहले देखिए यहाँ पे जो जो चीज दो जो है लाइन हमारे पास गिवन दिया है, आप पहले दो लाइन को हम ड्राइंग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे आपके लिए दोनों जो लाइन के जो है लाइन हम बना लिए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आई एस दिया हुआ है, आई एस क्या 6.5 है, तो हम पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आई एस का जो एरिया है हम उसको लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा आई एस। अभी हमें क्या करना है, यहां से देखिए यहाँ पे दो एंगल दिया हुआ है, आई एंगल है 105 और एस एंगल है 120, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले यहाँ पे नाम लिख लीजिए, यहाँ पे हम नाम लिख देते आई और यहाँ पे एस, ठीक है। तो आई से हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे, ए हमारा प्रोटेक्टर है, आप इसको यहां बैठाइए, ठीक है। बैठा के हमें क्या करना है, हमें 105 देखना है। तो देखिए 105 कहां पे, ये 100, ये है 5, ठीक है, ये हो गया 105। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 105 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा 105, ठीक है। इसके बाद हमें क्या पूछा है, इसके बाद देखिए एस से एक एंगल दिया हुआ है, वो क्या है, एस से जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ 120, तो आप एस से 120 बनाएंगे। देखिए आप ध्यान रखेंगे एस से जब बना रहे हैं आप, तब आप यहां से आएगा, ठीक है, एस का एंगल इधर से नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे 90, ये हो गया 100 110 120, तो आप यहां पे बैठा के अब यहां पे लीजिए, ठीक है, ये हो गया 120, ये हमारा 120 हो गया। अभी देखिए यहां पे जो एम दिया हुआ है, एम क्या दिया हुआ है, आई और एम है 3.5, तो ये बहुत ही सिंपल है, हम बना के रखे, आप बस यहां पे बैठाइए और यहां पे ऐसे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहां पे आप ऐसे लीजिए, यहां पे आप बैठा के यहां पे एक मार्क कर दीजिए, ये हो गया हमारा डिस्टेंस जो है हमारा एम, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिल गया, यहां पे आपको मिल गया है एम, ठीक है, आई एम एस। अभी टी कैसे मिलेगा, हमें टी मिलेगा, आप यहां पे एम में एक 75 जो है वो दिया हुआ है, आप यहां में यहां पे बैठा के हम 75 बनाएंगे। तो देखिए यहां पे हम कैसे बैठाएंगे, यहां पे हमने ऐसे बैठा दिया, ठीक है, यहां पे बैठा के देखिए ये है 90 80 और ये है हमारा 75, ठीक है। तो यहां पे आप ऐसे बैठा दीजिए, ठीक है, ये हो गया हमारा 75। अब ये आप इसको जोड़ देंगे तो ये जो है यहां पे एक जगह पे कट करेगा, वही होगा हमारा टी पॉइंट। तो अभी हम जोड़ देते हैं, ये जो हमें पॉइंट मिला है वो हो गया हमारा टी पॉइंट, ठीक है। तो देखिए हमने कैसे ड्राइंग किया, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप आप एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। रफ स्केच ड्रॉ करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों, क्योंकि अगर आप एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए जो डायग्राम है बहुत क्लियर हो जाएगा। हमने रफ स्केच में देखा है, रफ स्केच में हमने देखा है कि यहाँ पे जो आई एस है हमने इस लाइन को सबसे पहले ड्रॉ किया, क्यों, क्योंकि इस लाइन से ड्रॉ करने से आपको दो एंगल मिलेंगे, हमने दो एंगल ड्रॉ किया, एक हो गया हमारा ये जो एंगल एस है वो मिला हमें 120 और यहाँ पे आई जो मिला है वो मिला है 105, हमने वो दोनों का ड्रॉइंग किया। इसके बाद हमें यहाँ पे जो आई और एम है उसका लेंथ दिया हुआ है, हमने वो लेंथ ले लिया, वो हो गया 3.5, हमें एम पॉइंट मिल गया। एम में हमें और एक एंगल दिया हुआ है, वो है 75, हमने उनको जोड़ दिया और हमें हमारा जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर वो मिल गया, ठीक है। आप रफ स्केच बनाइए और आप स्टेप फॉलो कीजिए, आपका ये आराम से हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट से पूछिए,
हम आपके डाउट क्लियर करने की, आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आप शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हम जब लड़ गए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।